फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे। आज हम कहीं नई जगह चल रहे हैं घूमने, जो कि हमारे लिए नई है। बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं, तो चलो हम लोग फाइनली रेडी होकर घर से निकल गए हैं और हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स, ये है मुंबई का CSMT रेलवे स्टेशन और यहाँ से हम लोग वाई बस चल रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया और यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे। यहाँ से निकलेंगे हम लोग एलिफेंटा के लिए। तो हम लोग आ गए हैं जस्ट जहाज़ के पास और हम लोग इसी पर बैठ के जाने वाले हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ, लगभग 4 से 5 साल बाद जा रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। साथ में है मेरा भाई जो कि उनकी फर्स्ट यात्रा है। तो चलिए हम सुनते हैं उनके मुँह से कि उनको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के। मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे और एक चीज़ होता है कि आप जब समुद्र देखते हो पहली बार तो एकदम मन खुश हो जाता है। तो एकदम जब मैं आया था मैं भी बहुत खुश हो गया था। और पता है जब जहाज चलने लगी तो हम लोगों का मन कुछ खाने का कर रहा था और हम लोग चिक्की खाने लगे थे। हाँ, तो ये जो बोट है मतलब इसमें 2 फ्लोर होता है। मुझे लगा ये बहुत छोटा बोट होगा, कोई छोटी मोटी जहाज होगी, लेकिन जब यहाँ पे आया देखा कि इस पे 2 फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है। और सबसे ज्यादा मजा आता है ऊपर बैठने में क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मुझे जो पसंद है कि अगर आप जैसे मेरे हिसाब से अगर सोचे तो जैसे अगर आप नीचे बैठते हैं तो आप जो समंदर है उसका मजा आप जो नीचे बैठ के ले पाएंगे, ऊपर बैठ के उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि जो पानी का आवाज होता है वो एक्चुअली में नीचे बहुत अच्छा सुनाई देता है। ज्यादा मजा आता है और आप उसको एकदम क्लियरिटी से देख पाएंगे क्लियरली, तो काफी मजा आता है समुद्र में ऐसे एकदम नीचे। इसलिए हम लोग नीचे बैठ चुके हैं इसमें और ज्यादा पब्लिक भी नहीं है तो काफी मजा आ रहा है ना। और हमारी जहाज अब यहाँ से निकल चुकी है, तो चलो आपको दिखाते हैं आगे का व्यू कैसे है। काफी बोट जो है वो एलिफेंटा से लौट के आ रही है, देखो सामने से। हाँ, वो सब बहुत मजे ले रहे हैं क्योंकि वो लोग क्या होती है जब बोट एक दूसरे के करीब आती है ना तो पब्लिक जो है चिल्लाती है, बहुत शोर मचाती है। अच्छा, एक चीज ये बताओ, जैसे जब यहाँ पे बारिश होती है तो बारिश में तो भर जाता होगा ये, तो मतलब लहरें बहुत ज्यादा आती होंगी तो उस समय बंद हो जाता होगा ना ये? हाँ, उस टाइम बंद हो जाता है और उस टाइम पर कोई भी जहाज नहीं चलती है क्योंकि हाई टाइड का अलर्ट हो जाता है ना, इसीलिए रोक दी जाती है, खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है सबसे अच्छा ऑप्शन ये है जब आप बारिश ना होती रहे तब आप आएं और अच्छे से घूमें, खूब मजे करें और काफी मजा आने वाला है आपको। हल्की फुल्की बारिश में कोई दिक्कत नहीं होती, आप जा सकते हो, बहुत मजा आता है। तो ये देखिए पानी का व्यू काफी अच्छा है ना। हाँ, इसकी लहरें बहुत। मुझे एक्चुअली बताऊँ तो समुद्र में जाके काफी अच्छा लग रहा था, एक तो डर लग रहा था अंदर से, लेकिन जब गए तो काफी मजा आया था, ऐसा लग रहा है हम लोग स्वर्ग में घूम रहे हैं। पता है जब मेरी फर्स्ट ट्रेवल थी तब मैं बहुत डरी हुई थी, मैं सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जहाज डूब जाए और हम सब उसमें डूब जाए, क्योंकि पता है समुद्र में जब कोई डूबेगा ना तो तैर के पार भी नहीं हो पाएगा। फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं समुद्र के एकदम बीचों बीच। तो सचिन, तुम बता तुम्हें कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? एक तो काफी डर लग रहा था, अभी थोड़ा शांत हुआ है मुझे देख के कि यहाँ पे पानी मुझे देख के मुझे बहुत डर जाता हूँ मैं। और एक अच्छी चीज मुझे यहाँ मुंबई के बारे में बताओ, मुझे मुंबई के बारे में ये लगी कि यहाँ पे बारिश का मौसम है और बारिश मुझे बहुत पसंद है, तो बारिश में मैं जब आया हूँ तो काफी अच्छा लग रहा है। ऊपर से यहाँ पे शिप देखने को मिल रहा है जो कि मैंने कभी अभी इतने पास से देखा भी नहीं था, बहुत मजा आ रहा है देख के ये सब। तो अभी चलते हैं आगे एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है मुझे। हाँ, काफी एक्साइटेड हूँ मैं। ओके, चलो निकलते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो कितनी बड़ी क्रूज पास में खड़ी है और उसके बगल में छोटी छोटी सिप जो है अपने काम में जुटी हुई हैं, जो कि इस पे जो सामान लद कर आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, तो ये जो छोटी छोटी सिप है ना ये साइड में ले जाके पहुँचाते हैं, तो वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। लाइफ का सेकेंड टाइम है जब मैं जा रही हूँ एलिफेंटा घूमने, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत सुकून मिल रहा है अंदर से। जब मैं पानी मुझे बहुत पसंद है, झरना हुआ
या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर वाटर से रिलेटेड हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें, ऐसे प्लेस मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी समुद्र का मज़ा लीजिए, मेरे साथ एंजॉय कीजिए। चलो हम आपको मिलते हैं एलिफेंटा में। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एलिफेंटा, और यहाँ की ये ट्रेन है जो कि 1 किलोमीटर दूरी तक आपको ले जाएगी। आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं या फिर बाय ट्रेन भी आप जा सकते हैं। इसका चार्ज ओनली 100 रुपीज़ है, तो आपको जो कंफर्टेबल फील हो आप वही चूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम आगे निकलते हैं। फ्रेंड्स, लगभग हम लोगों को 40 से 45 मिनट लगा था मुंबई से एलिफेंटा आने में, और चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ से मुंबई कैसे दिख रही है। तो ये देखिए, साइड में छोटे छोटे टावर हैं, बिल्डिंग है, बहुत दूर हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा है। तो यहाँ पर बहुत हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो हमने साड़ी का पल्लू सर पर रख लिया और बहुत मज़ा आ रहा था। पतिदेव जी बोले कि ट्रेन से चलना है, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे पैदल चलना बहुत पसंद है, वैसे भी मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ, पैदल घर में ही रहती हूँ, यही बस बच्चों के स्कूल से घर। तो हमने सोचा चलो आज पैदल ही चल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितने प्यारे प्यारे टॉयज बच्चों के मिल रहे हैं, आप सब देख सकते हो। कैमरा है, चश्मा है, यहाँ पर भगवान जी की प्रतिमा है, गन है, काफ़ी कुछ है, होम डेकोरेशन की चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पर जेंट्स के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। तो ये देखो कितनी प्यारी प्यारी प्रतिमाएं और टॉयज है ना। तो यहाँ पर चलो आपको दिखाती हूँ, लेडीज़ के लिए भी काफ़ी कुछ मिलता है। ये देखो नेकलेस है और बैंगल्स है, जो भी आप चाहें यहाँ से होम डेकोरेशन के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलो आपको ले चलते हैं और ऐसे ही सब कुछ आपको दिखाते चलते हैं क्या क्या यहाँ पर मिलता है। और हाँ, इसकी जो प्राइस होती है वो काफ़ी महंगी होती है, क्योंकि समुद्र से ये लोग काफ़ी दूर लेके आते हैं ना बेचने, तो महंगा रहता है प्राइस यहाँ का थोड़ा सा। तो चलो आपको दिखाती हूँ आगे क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं ये है एंट्रेंस एलिफेंटा का, और यहाँ पर आपका टिकट चेक होगा, और यहाँ पर चार्ज कितना लगता है ये सब साइड में मेंशन किया गया है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं एडल्ट का कितना है, बच्चों का कितना, सब कुछ मेंशन है। तो ये है एलिफेंटा का फर्स्ट केप, यहाँ पर बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पर अगर आप कोई वीडियो शूट करते हैं, फोटो क्लिक कराते हैं, तो बहुत ही प्यारा आता है। इसके अंदर प्रतिमा है, बहुत सारे भगवान जी की प्रतिमा है। तो चलो हम आपको दिखा देते हैं ये जो केव है, ये फर्स्ट केव है, और यहाँ पर 3 से 4 केव्स बने हुए हैं। तो चलिए हम आपको बारी बारी से सब कुछ दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। पहली मूर्ति जो कि शिव जी की है, बहुत पुरानी है, टूट गई है, और इनके साथ में बहुत सारे भगवान भी खड़े हैं। यहाँ
पर जो खंभे बने हैं उसमें भी मूर्तियां बनी हुई हैं, आप सब देख सकते हैं। और यहाँ के केव में अंदर आने के बाद बहुत ठंडा लगता है, ऐसे लगता है जैसे एसी लगी हो, काफ़ी प्यारा लगता है यहाँ पर आने के बाद। और जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति बनी हुई थी और इनके साथ बहुत सारे भगवान जी की प्रतिमा है। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रतिमाएं बनी हुई काफी प्यारी लग रही हैं, इनकी जो कटिंग है डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है। इस मूर्ति के बगल में आपको दिखाते हैं एक रास्ता है जो कि काफी दूर तक गया मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर काफी अंधेरा है, इस गेट को भी बंद कर दिया है, कोई पब्लिक जाती नहीं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इसके बगल में त्रिमूर्ति भी है, तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी लग रही थी ये प्रतिमा जो है। ये जो प्रतिमा है ये विष्णु जी की है, जो तीन मुख वाले विष्णु जी होते हैं ना, उनकी प्रतिमा है ये। तो इस केव से हम चलते हैं बाहर और आगे बढ़ते हैं, और आगे निकलने के बाद हमको एक और केव मिलता है, चलो देखते हैं कि उसमें क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए और यहाँ पर बहुत सारी भगवान की प्रतिमा बनी है, सभी की लगभग बनी है, आप सब देख सकते हो। तो चलिए हम इसके भी आगे निकलते हैं, आगे और क्या उसको देखते हैं। तो ये है केव नंबर 2 और चलो हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर शिवलिंग रखा गया है, तो यहाँ पर पब्लिक जो है पिक क्लिक कर रही, तो चलो हम आपको ले चलते हैं इस केव के अंदर जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। चलो चलते हैं। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी प्रतिमा है, लेकिन ये जो प्रतिमा है ना बहुत ही पुरानी है, जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज राज करते थे ना तब के जमाने की है, लेकिन थोड़ी बहुत बची हुई है और टूट फूट सी गई है, फिर भी पब्लिक इसको देखने इतना दूर से आती है। और यहाँ पर देखिए एक शिवलिंग रखा गया है जो कि बहुत पुराना है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी है, यहाँ पर मतलब बाहर खड़े रहते हैं और वो सब सिक्योरिटी के लिए रहते हैं। तो देखिए हमारे पतिदेव जी इसके अंदर चल रहे हैं, आप यहाँ से चक्कर भी लगा सकते हैं, फेरे लेते हैं ना जैसे भगवान के मंदिर के साइड से, तो परिक्रमा जो करते हैं तो वही परिक्रमा हमारे पतिदेव कर रहे थे प्रणव के साथ। तो चलिए इधर से देखिए कितना अंधेरा है, पब्लिक लाइट जला के आती है, डर भी लगता है अंदर आने के बाद। चलो यहाँ से निकलती हूँ बाहर। हम लोग केव से बाहर आ गए हैं और यहाँ पर पब्लिक जो है पिक्चर क्लिक करवाती है, हम लोग भी करवा लेते हैं। और ये रही हमारी पहली फैमिली पिक्चर क्लिक तो आप देख सकते हैं अब ये लोग भी बैठे थे तो हमने सोचा चलो इनका भी थोड़ा सा वीडियो या फिर फोटो शूट कर लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, जो ये बंदर के बच्चे है ना बहुत प्यारे लग रहे थे। आपको यहाँ पर हर जगह बंदर देखने को मिलेगा, तो चलिए हम थोड़ी देर इनके साथ भी मस्ती कर लेते हैं। ले फोटो ले फोटो ले फोटो ले फोटो ले मारेगी वो। कान कटवा के आई है, कान कटवा बंदर है बिस्लरी पानी पूछो पिएगी, पानी पियोगी? इसको बिस्किट खाना है, इसको देखो मत मिट्टी ऐसे। सुन देखो मैंने बिस्किट है तो दे दो, वो ले दे दो। हम लोग मस्ती करने के बाद फाइनली अब आ गए हैं केव नंबर 3 में, तो चलो हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि केव नंबर 3 में क्या है। ये जो केव नंबर 3 है ना, इसमें भी वही सब है, शंकर भगवान और विष्णु भगवान की प्रतिमा है, तो सब वही है, बस इधर उधर घुमा के सब कुछ वही बना हुआ है। तो हम लोग इसके अंदर नहीं गए, तो हम लोगों ने यहाँ पर आके काफ़ी मस्ती की, बहुत इंजॉय किया। तो चलो अब हम यहाँ से थोड़ी देर और यहाँ पर घूम टहल लेते हैं बच्चों के साथ, थोड़ा फ्री होके इसके बाद चलते हैं घर। Thank you.
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कैनन पॉइंट। कैनन पॉइंट पहाड़ के सबसे ऊपर का हिस्सा है, तो वहाँ से आपको समुद्र का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखेगा और मुंबई का भी। तो चलो चलते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर इस टाइप के रास्ते हैं और यहाँ पर होने लगी थी हल्की हल्की सी बारिश, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है वो कैनन जो कि वीर शिवाजी के ज़माने में बनाया गया था, और ये कैनन पता नहीं कैसे यहाँ पर लाया गया था, बहुत भारी है, आप सब देख सकते हो। तो ये देखिए बाहर का व्यू कितना खूबसूरत है, यहाँ से समुद्र कैसा दिखता है और यहाँ से मुंबई कैसी दिखती है, आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे घर आपको दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको पास से दिखाते हैं कैनन कैसा है और इसका मैकेनिज्म कैसा है, ये काम कैसे करता था पहले और अभी कैसा है, आप देख सकते हो। ये देखने में इतना भारी है, पता नहीं कैसे लाया होगा, मुझे लगता है कि कई पार्ट में डिवाइड होके यहाँ पर आया हुआ है क्योंकि ये बहुत हैवी है। चलो इसको और पास से दिखाते हैं। तो ये इसका बेस है जहाँ से एमओज का रिलोडिंग होता है, आप देख सकते हो। अभी ये वर्किंग बेस में नहीं है, तो चलो आपको दिखाते हैं कि यहाँ से और पास से दिखाती हूँ आपको जहाँ से गोलियाँ निकलती थी। यही है वो मेन पॉइंट जहाँ से गोली निकलती थी, लेकिन अभी ये टूट चुका है तो इसके अंदर पत्थर भरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो बहुत सारे पत्थर भरे हैं इसमें। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत मस्ती की, बहुत इंजॉय किया। तो चलो हम लोग चल रहे हैं घर, और आप लोग बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा पार्ट सबसे प्यारा लगा आपको, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो। चलो अब हम सीट पर बैठ के निकलते हैं घर के लिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी आते वक्त बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी, तो इसकी जो लहरें हैं वो दोगुनी हो गई हैं और पब्लिक को बहुत मज़ा आ रहा, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि जब सिप चल रही थी ना तो आगे से लहर बहुत तेज़ आ रही थी। तो चलो आपको ब्लॉग कैसे लगा बताइएगा जरूर, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।